प्रयागराज का देहाती रसगुल्ला। संगम और कुंभ मेले की तरह ये भी शहर की पहचान बन चुका है। जब भी शहर के जायके की बात होती है तो सभी की जुबान पर देहाती रसगुल्ले का स्वाद जरूर आता है। 39 साल पुराने इस लाजवाब स्वाद को चखने के लिए प्रयागराज में लोग देश विदेश से आते हैं। यहाँ मिलने वाला रसगुल्ला इतना नरम है कि मुंह में रखते ही घुल जाता है। वाह, जैसा सुना था वैसा ही है, मुंह में डालते ही घुल गया है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी स्वाद ही इसकी पहचान है, मुझे लगता है अपने आप में एक ब्रांड है। देहाती रसगुल्ले की शुरुआत प्रयागराज के बैरहना इलाके से हुई। यहाँ राम स्वरूप यादव ने रसगुल्ले की दुकान खोली। उनके बेटे ने बताया कि पिता को उनके दोस्त प्यार से देहाती बुलाते थे, इसलिए उनके नाम में ही देहाती शब्द जुड़ गया और इसी के बाद दुकान का नाम देहाती रसगुल्ला हो गया। रसगुल्ले के तैयार होने के कुल 6 स्टेप हैं। पहले 1 किलो खोवे में 100 ग्राम मैदा अनुपात के हिसाब से मिलाते हैं। खास ध्यान दिया जाता है कि इसे हाथ से मिक्स करते वक्त मिक्सचर में गांठ न बन पाए। फिर तैयार हो चुके बैटर की गोलियां बनाई जाती हैं, जिसे खौलते तेल में डालकर 2 मिनट तक तला जाता है। खोए की गोलियों के हल्के लाल होने के बाद उसे आंच से हटा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसे फिर से आंच पर पकाते हैं। जब गोलियां पूरी तरह लाल हो जाती हैं, तो उसे चाशनी में डुबो दिया जाता है और फिर देहाती रसगुल्ला लोगों के खाने के लिए तैयार हो जाता है।